मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टर्न ऑन द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड विद एवरी अपडेट ऑफ माय चैनल. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो गाइज, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अमेजोन बेसिक्स ट्राइपॉड की. जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग में आया हुआ है. सो गाइज, ये वीडियो मैं कुछ अनबॉक्सिंग बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ खरीदा नहीं था. ये ट्राइपॉड मैंने इसीलिए लिया है कि मैं टिकटॉक वीडियोज भी बना सकता हूँ और अपने कैमरे के लिए भी ये यूज होगा. मेरे पास था छोटा ट्राइपॉड था, तो वो तो सिर्फ व्लॉगिंग के लिए काम आता है, मगर मुझे थोड़ा बड़ा ट्राइपॉड चाहिए था. ये एक्चुअली ये 4.5 फीट से या 4.8 फीट का है. सो ज्यादा कुछ टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अनबॉक्स करते हैं. तो गाइस, ये ट्राइपॉड मुझे ऐसी पैकेजिंग में रिसीव हो गया है, तो मैंने इसको फाड़ दिया है. निकालते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसको साइड कर देते हैं. ये अमेजोन बेसिक्स का जो ट्राइपॉड है, यहाँ इसकी हाइट वगैरह स्पेसिफिकेशन वगैरह दी हुई है. जैसा कि आप देख सकते हो, नेम ऑफ द कम्युनिटी लाइट वेट ट्राइपॉड, डिस्क्रिप्शन अमेजोन बेसिक्स 50, क्योंकि अमेजोन ब्रांड का है, जो अमेजोन इसको खुद बनाता है, इसीलिए इसका नाम अमेजोन बेसिक्स रखा हुआ है. अमेजोन बेसिक्स 50 इंच लाइट वेट ट्राइपॉड, नेट क्वांटिटी 1 यूनिट, क्योंकि मैंने एक ही मंगाया. इसकी MRP प्राइस जो है 995 है. मेरे को डिस्काउंट हो गया कुछ 950 पड़ा हुआ है. तो मंथ ऑफ द ईयर ये सब कुछ अब देखने की ज़रूरत नहीं है. तो चलिए ये ट्राइपॉड अनबॉक्स करते हैं. तो जैसा ही हम ओपन करते हैं, इसके अंदर और एक बैग है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडी है. आपको इधर स्ट्रैप भी दिया हुआ है, जैसा कि आप बाहर किधर भी जाओगे तो ऐसा हाथ में भी लेके जा सकते हो. तो चलिए इसको, और बैग का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है. इसको ओपन अप करते हैं, इसको भी साइड में रख देते हैं. तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा ट्राइपॉड है. तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये ट्राइपॉड, ये अमेजोन बेसिक्स इसकी ब्रांडिंग है. तो ये ट्राइपॉड प्लास्टिक मटेरियल का नहीं है, ये पूरा अलॉय स्टील का है. तो आपको इधर आ जाता है, पैन, जिधर आप स्मार्टफोन माउंट कर सकते हो और आपका कैमरा भी माउंट कर सकते हो. आपको ये इस पैन को निकाल भी सकते हो, जैसा कि ये जो डंडी है इसे खींच के आप निकाल भी सकते हो, चाहे तो आप डाल भी सकते हो. बहुत लोगों को ये नहीं पता कि स्मार्टफोन कैसा माउंट करना, वो भी आज आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा कि स्मार्टफोन को आप कैसा माउंट कर सकते हो. तो आप इधर से देख सकते हो कि इधर 3 एक्सटेंशन के नॉब दिए हुए हैं. जैसा ही आप इनको खोलते हो, और जैसे ही खोलते हो, खोलने के बाद इसको फिर लॉक कर देना, क्योंकि अगर आप लॉक नहीं किएंगे तो ये ऐसा अंदर चले जाएगा. तो इसीलिए इसको लॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो जैसा कि आप देख सकते हो, ट्राइपॉड हमारा बहुत ही ज़्यादा सही दिख रहा है, और इसकी हाइट जो है 4.5 फीट आपको बता चुका हूँ, लगभग 50 इंच की जो ये ट्राइपॉड है. आपको इससे भी ज़्यादा आपको हाइट चाहिए तो ये जो नॉब देख रहे हो, ये नॉब को लूज करो. लूज करने के बाद इसको ऊपर उठाओ. ये बहुत ही अच्छी इसमें फैसिलिटी दी हुई है, बाकी ट्राइपॉड्स में नहीं मिलती है. आपको इस रेंज के ट्राइपॉड में कभी भी नहीं मिलती. जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी ये हाइट है 5.9 कुछ, और आप देख सकते हो मुझे आराम से ये शूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगा. और आप जैसा कि आप इधर गौर करोगे तो ये वाला जो नॉब दिया हुआ है, इसको लूज करने से आप ये रोटेट कर सकते हो. पूरा पैन का जो पूरा सेट है, हेड है, पूरा रोटेट होगा. अगर आपको रोटेट नहीं करना होगा तो स्टेबल वीडियो बनाने का है तो इसको टाइट कर दो, ये रोटेट नहीं होगा. और चलिए इस नॉब की तरफ बढ़ते हैं. अगर ये नॉब इसीलिए है कि जैसा कि आप लूज करके दिखा देता हूँ,
ये नॉब लूज करने से ये जो पैन है इसके अलग अलग डिग्री में ये रुकेगा। तो ये नॉब को लूज करने से आपको पैन अलग अलग वेरिएंट एंगल में मिलेगा, जैसा कि आपको अगर आपको शूट करना है होगा तो इधर कैमरा लगा के आप शूट कर सकते हो, या आपका स्मार्टफोन माउंट करके आप शूट कर सकते हो। आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा स्मार्टफोन कैसे माउंट करते हैं, तो इसको हम टाइट कर देते हैं। सो गाइस आप इधर देखोगे तो इधर एक लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसा कि आप बबल देख सकते हो। ये बबल इसीलिए लेवल इंडिकेटर है कि आपको आपका पैन सही डिग्री में है या नहीं। अगर ये सेंटर में होगा तो ये सही डिग्री में होगा, अगर ये ऊपर नीचे होगा तो आपका पैन थोड़ा टेढ़ा है, इसीलिए ये लेवल इंडिकेटर भी दिया हुआ है। इस रेट में आपको इतने बजट में इतना अच्छा ट्राइपॉड मिल रहा है। तो चलिए इस हैंडल की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस ये हैंडल जो है इसमें भी एक कलाकारी आप कह सकते हो, या एक खुफिया जानकारी आप कह सकते हो। जैसा ही आप हैंडल को लूज करोगे तो ये पैन का हेड जो है सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा रोटेट होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आप इसको टाइट कर दोगे तो ये रोटेट नहीं होगा। बट चलो आपको मैं मोबाइल माउंट करके दिखा देता हूँ। सो गाइस ये एक नॉर्मल सा मोबाइल होल्डर है, मुझे ये ट्राइपॉड के साथ नहीं मिला, ये मैंने बाहर से खरीदा हुआ था। तो ये होल्डर को आपको इधर सही फिट कर देना है इस स्क्रू में। सो गाइस आप जैसा कि आप देख सकते हो अभी मोबाइल होल्डर जो है माउंट हो चुका है। अब आपको इसमें मोबाइल माउंट करके दिखाता हूँ। ये मेरा फोन, ऐसे जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इजी है इसमें मोबाइल माउंट करना, मोबाइल फोन माउंट करना। बस आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल होल्डर चाहिए और फिर स्मार्टफोन। ये देखो माउंट हो गया है मोबाइल। सो आपको अगर आपको टिकटॉक वीडियोस बनाने हैं तो आप इसको लूज करके इस वाले नॉब को लूज करके आप पैन को ऐसा कर सकते हो, ऐसे करके इसको टाइट कर देना। तो आपको और थोड़ा नीचे चाहिए होगा तो नीचे लेकर ऐसा टाइट कर दोगे तो आप टिकटॉक वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा कैमरा है 700D। सो गाइस इसके नीचे ये दो थ्रेडिंग वाला पोर्शन जो है आपको इधर रख के कैमरे को घुमाना है। कैमरे को घुमाओ या ट्राइपॉड को घुमाओ, दोनों एक ही बात है। इसे अच्छी तरह टाइट कर देना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरा कैमरा माउंट हो चुका है इस ट्राइपॉड पर। आप देखते हो बहुत ही ज्यादा स्टेडी है। इस जब हम इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, जितने चाहे आप शॉर्ट्स लो, सिनेमेटिक वीडियोस बनाओ, जो चाहे जो मर्जी करो, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे शॉर्ट्स आने वाले हैं इस ट्राइपॉड के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो। जिस एंगल में आपको शॉर्ट चाहिए उस एंगल में आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। था एक छोटा अनबॉक्सिंग, आप छोटा ही कह सकते हो क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा वीडियो था। एक छोटा अनबॉक्सिंग था ट्राइपॉड का अमेजोन बेसिक्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप क्या कर क्या रहे हो, राइट साइड में एक रेड बटन है उसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और घंटे को भी दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो मेरी जब भी आएगी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सो गाइज वही था आज के इस वीडियो के लिए। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय।
Yeah.